आपकी मतलब डेथ होगी? डेथ होगी, अखबार में आ गया मरा हुआ, रेडियो में मरा, अनाउंसमेंट हो गया। अच्छा, रेडियो में भी अनाउंसमेंट, अखबार में भी अनाउंसमेंट, हॉस्पिटल से मुर्दा घाट भेज दिया जलाने को। तो फिर आपको कैसा लगा? आप मतलब आपकी आत्मा, आपने शरीर देखा उस टाइम अपना? मेरे को जमदूत लेके था देवपुर पे। अभी जमदूत कैसे थे वो? सींग वाले, लंबे लंबे सींग उनके, गाय मिलकी वहाँ नदी रही, त्रिवेणी नदी करनी पड़ती बाहर को। अच्छा, गौ मच्छी उनकी पुल पे, मैं जो लाल पुल हुआ आग की तरह से जल जाऊंगा उसमें, तो मेरे को इसमें चींटियां नजर आ गई पुल पे। फिर मैं आधे पुल को गया तो जमराज जी अपना आसन बैठे थे पार पर आसन पे। तो देखने में कैसे थे जमराज जी के आसन? लंबी लंबी जटा थी उनके आसन ना, और अच्छा जटा थी। हाँ, माला मूला पाई हुई जैसे बाबा लोग की जटा होती है। अच्छा, इसको क्यों लाया? इसका नंबर नहीं हुआ, भेजो इसको। फिर वापिस भेज दिया मेरे आधे पुल से। अच्छा, गलती से मतलब ले गए जमदूत। हाँ, तो जी वो चार जमदूत, चार कितने थे जमदूत को लेने वाले, कितने थे? चार थे, बंदे बंदे तो जमदूत तो बहुत है ना, उनकी अलग अलग ड्यूटी थी जमदूतों की। दो तो मेरे को ले जाने वाले थे, दो उनके पीछे बॉडीगार्ड थे। अच्छा, उनके पीछे बॉडीगार्ड भी होते हैं? हाँ जी। तो लेकर किस पर जाते हैं वो? ऐसे ही मतलब चक्के। अच्छा, चक्के ले गए यूँ करके, मेरे को मालूम चक्के ले गए पुल पे, ले गए जाते पुल से जमराज जी ने वापिस कर दिया फिर भी। अच्छा, पुल होता कोई? हाँ जी, पुल का नीचे तो नदी चलती, नदी भी मतलब गाय उसमें हो गए, घोड़े उसमें मिलेंगे नीचे में तैर रहे जो। अच्छा, जो अच्छा आदमी होगा तो उसको फिर गऊ उतारती है उसमें पार, त्रिवेणी नदी होती है वो। अच्छा, गऊ ही करेगी? हाँ, गऊ करेगी पार। अच्छा, अब एक गाय में जितने बाल है 1,33,00,000 देवी देवता वास करते गऊ माता में। हाँ जी। अब लोग तो ना यहाँ खेत दीवारा डंगर नहीं तो बहुत, इसका गोबर इसका काम आएगा, हर चीज काम आएगी, पूजा ना। तो फिर आप फिर उसी शरीर में आ गए? हाँ। मतलब अनाउंसमेंट तो हो चुकी थी, अखबार में मारा हुआ, क्या रेडियो में मारा, अनाउंसमेंट हो गया, डॉक्टर। अच्छा। परेशान हो गया, डीसी साहब परेशान हो गए। अच्छा, एसपी साहब। तो आपका शरीर फिर से उठ पड़ा? हाँ। वो कहाँ पर उठा फिर शरीर? घर में ही था उस पे? हाँ, मेरे को जैसे जलाने को लेकर नहीं हॉस्पिटल। अच्छा, हमने मुर्दा घाट को। अच्छा, फिर डॉक्टर को उस्ताद की टांगे हिल गई, बोलता दो तो हमने जला दी, उस्ताद के जीता हाथ हिल गए, टांगे हिल गए, मुझे बड़ी बोली थी, फौजी साहब तो जीते ही, बोले बोले ले आओ इधर वापस ऊपर। फिर हॉस्पिटल आया, फिर ग्लूकोज चढ़ गया, जो होश में आया मैं देखूँ हॉस्पिटल से आया, डॉक्टर शराब कितना पिया अभी? मैं कहा सर शराब कोई नहीं पिया जी, परसों जरूर पी थी मैं, कल कोई शराब नहीं, गाड़ी का स्टेयरिंग फ्री हो गया जी, ब्रेक फेल होगी सर। मैं कहा जी, मैं कहा सर मेरे भी दो भाई डॉक्टर, उनको जानते आप कौन है? मैं कहा दिलीप जी रिपन में, टोनी जी टीओ में। अरे दिलीप तो मेरे क्लास फेलो है, हमने इकट्ठे ट्रेनिंग दिया कलकत्ता में, बोलता आपके भाई डीसी लगे। मैं कहा डीसी भी लगे जी, फादर मेरे आजाद इन फौज में थे। मैं कहा जी सारी स्टोरी सुनाई उनको फिर। तो मतलब आपको वो याद रहा यमदूत वाली स्टोरी? सारी याद, अभी तक याद हो तो मेरे को। अच्छा, और क्या देखा आपने? उनकी पूजा करता हूँ, बाकी जो मतलब ड्यूटी थी ना अंदर, तो मेरे को जाने दिया गेट से, मैं बाहर से वापस कर दिया। अच्छा, गेट होता उधर? हाँ जी। वो कैसा होता गेट? जैसे मेरे मंदिर का गेट ना, बड़ा गेट। अच्छा, बड़ा गेट। जमराज जी बाहर बैठे थे आसन पे गेट के बाहर। अच्छा, मेरे को तो बाहर से वापिस कर दिया फिर उन्होंने। अच्छा, गेट के अंदर नहीं जाना? हाँ, नहीं जा दिया, अंदर गया था। फिर दूसरी दुनिया देख ली थी मैंने। फिर दर दुर्गा माता ने रोटी खिलाई मेरे को, तारा जी माता का नाम सुनाना आपने। अच्छा, तारा जी माता ने खाना खाया, ऐसा भोजन खाया ही नहीं मैंने जैसे माता ने भोजन खिलाया मेरे को। तो फिर आपने आते ही मंदिर बनाया इधर? ये मंदिर बना दिया और भगवान के नाम पर लग गए। भगवान के नाम। तो आपका नाम क्या है जी? कंवर बलबीर सिंह जी, ड्राइवरी नाम तो मेरा सिकंदर है ना जी। सिकंदर? हाँ जी। अच्छा, फिर उस्ताद ने सिकंदर नाम रखा था, माता पिता जी ने बलबीर सिंह नाम रखा था, कंवर बलबीर सिंह। अच्छा, आपका तो मजा आ गया जी, आपका आपने तो परम धाम को विजिट किया एक बार। सबको सुना दी स्टोरी मैंने, डीसी साहब, एसपी साहब को, डॉक्टर परेशान हो गया, जज भी परेशान हो गया, और 52 किलो भांग गाड़ी में, 52 किलो फीम देख लो। वो किसने रखी थी? बाबू की जी। अच्छा, जो बाबे साथ में गए? हाँ, टूट के बताए उनको ले जा रहे थे। अच्छा, और पंजाब नहीं गए, पंजाब गए थे बाबे, भैया सभी नहीं चलना तेरे को, हम नई गाड़ी पा के देगा अपने। वो कहाँ जी, वहीं रास्ते में एक माई बैठी थी रास्ते में, वो छह से बैठी। मेहता जी, मैं आप उस रोग में नहीं रहते? मैं कहा एक बार आपके घर आए थे हम बहू के बच्चे। कहाँ? मैं कहा नील मेहता जी। मैं कहा आप शेर की खाल पे बैठते? हाँ बेटा, पहचान लिया आप नील मेहता के साथ आए थे बेटा, इनको उतार देना, बाबी नहीं ये भूत है, बोले नहीं तो आगे एक्सीडेंट हो जाएगा। वो माई बेचारी फागू में उतर गई, उसने बोले बेटा उतार देना इनको, ये बाबी नहीं भूत है, बोले आगे गाड़ी गिर जाएगा आपका। नहीं उतारे मैंने नहीं, छल ढड़ी में उनको शराब पिला दी, खुद ही शराब पी ली। शराब को बोलते हम फौज में शेरनी का दूध, बाबू को शेरनी का दूध पिला दिया, एक बोतल यहाँ पिला दी यहीं पर ही, उस टाइम यहाँ मकान नहीं होता था। गाय पेशाब करने रही, गाय का पेशाब भरा नहीं डब्बे में, उसके साथ वो शराब पी ली अपने गौ मूत्र के साथ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। ऊपर वाले का जिसने भेजा, भक्ति करनी थी भगवान की, भक्ति आपकी मतलब बकाया थी। हाँ, अभी तक देख लो, अभी हरिद्वार गया था मैं, श्रीखंड महादेव गया, हरिद्वार जाया, मनसा जी माता गया, व्रत के आगे मैंने वहाँ एक व्रत का शिवरात्रि करी, तो पहले तो व्रत ही होते थे मेरे, मंगल का व्रत, वीर का व्रत, सोम का व्रत, शनि का व्रत, 12 साल तो व्रत ही व्रत रखे ना जी मैंने। अभी थोड़े अभी गया था श्रीखंड महादेव, और एक ही व्रत रखा शिवरात्रि का। तो उन्होंने बताया कि आपकी उम्र अभी बकाया? अभी तो अभी मैं मर गया था और दोबारा फिर
अच्छा सपने में देखा मेरे ऊपर कफन ले जा रहे मेरे को कुकड़े का मुर्दा घाट कफन बोला आपकी मुर्दा और बढ़ गई बोले अब आप 100 साल जियेंगे बोलते अच्छा मतलब दूसरी बार हो गए सपने में फिर आया सपने फिर अच्छा मेरे को तो मुर्दा घाट लिया दिखा जलाने को और जिन्होंने जिनको जैसे आपको सपना था आपको सपना आया मेरे पास आ रहा था तो मुर्दा घाट लेके जाना तो कफन बेटा सपने देखा तेरी उम्र और बढ़ गई बोलता अब अभी और बढ़ गई रात बाहर गई थी यहाँ पर अच्छा ये पूजा कर रहे तो उम्र और बढ़ रही है ना क्या बात है शिवलिंग पे चढ़ाता हूँ मैं जैसे सोमवार को दूध चलाऊंगा जैसे भांग घरी भांग चढ़ाता हूँ अभी पूजा नहीं कर रहा मतलब 11-12 दिन तक ना जी वो मतलब भाई की डी ना चाची की लड़की जब क्रिया कर्म होगी उस बार सूतक पड़ गया ना फिर पूजा होगी तड़का भी नहीं खा रहा आजकल मतलब ना प्याज लहसुन खाता हूँ अभी कितनी उम्र है आपकी अभी 76 साल होगी फिर तो 24 साल पड़े अभी फिर 100 साल में जाओगे हाँ जी 100 साल उम्र बताई उन्होंने मोदी जी के होटल में हमने खाना खाया उधर गुजरात में अच्छा गुजरात यूपी होटल में उस टाइम ड्राइवरी करता मैं इतना ड्राइवर कोई घुमा नहीं यहाँ का जितना मैं घुमा 12 साल की उम्र से ड्राइवरी करने लग गया था अच्छा 12 साल की उम्र में बम्बे भजा दी गड्डी कलकत्ता भजा दी उस टाइम गाड़ी अभी डी गाड़ी होती थी छोटी चलो ये ड्राइवर सारे देख रहे होंगे वीडियो चलो इसके अंदर जी बढ़िया लगा आपसे मिलके यहाँ तो ड्राइवर लोग परेशान हो गए अरे तो मुर्दा घाट ले गए तो सब ड्राइवर ने पैसे इकट्ठे किए यहाँ पर लोग बाबा जी ने पैसे इकट्ठे कितना हो गया 8500 रुपया मैंने चलो आज शिमला जाता हूँ शिमला पर गाड़ी चलाई नहीं उनकी मैंने उनके घर जाता हूँ मैं गया उनके घर तो परेशान बन गया तो उसके अंदर मर नहीं गया था वो शिमला में मिल गया मेरे को चल मम्मी पापा याद कर रहे आपको घर में तो घर ले गए बेटा यही रहे तो यहीं तेरी सेवा पानी होगी मैं गरीब माता जी मैंने कहा मंदिर बनाना वहाँ मकान बनाना है अब क्लैम मिल जाएगा मेरे को ना थोड़ा बहुत फिर जो डीसी लगा था उसके पास गया फिर उन्होंने सबको फ़ोन किया बड़े बड़े अफसरों को सारे अफसरों ने बोल दिया डीसी ने ऐसे सर मैं पास भेज दो भी हो जाएगा काम और जब सब अफसरों के पास गया सब ने मेरा काम कर दिया मुख्यमंत्री जी को राजा वीरभद्र के सारे की मैंने गाड़ी चलाई पहले परमाणु बंद कर लिया था धर्म उठाना बंद कर दिया ठे उठाना बंद कर दिया गाड़ी सारी फौजी भी रुकान भाई रुकती फौजी भी रुक गया मैंने हमारा जवान मार दिया यहाँ भी तो फौजी भी इस तरफ हो गए सच्चा मेरे सच्चाई पे चलिए जय श्री राम जय श्री